दोस्तों आप सभी लोगों के मेरे पास में भर भर के कमेंट आए हैं जिसमें केवल एक ही सवाल पूछा गया है कि भाई एक साल पहले हमने CSCIT के लिए अप्लाई किया था या फिर 6 महीने पहले CSCIT के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक हमें हमारी CSCIT नहीं मिली है, अभी तक हमारी CSCIT अप्रूव नहीं हुई है। तो प्लीज़ इस पर कुछ वीडियो बनाइए, कुछ हमें बताइए कि क्या वजह रही है जिसकी वजह से हमारी CSCIT अप्रूव नहीं हुई है, या फिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से अभी तक हमारी CSCIT अप्रूव नहीं हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने से पहले कुछ दिखाना चाहूँगा, कुछ प्रूफ आपको दिखाऊंगा जिससे आप कोई वीडियो देखने में आगे मजा भी आएगा और वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। अब दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे एक मेल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा और ये जो मेल है ये मुझे तब रिसीव हुआ था जब मैंने CSCIT के लिए अप्लाई किया था। नीचे आप मेरा जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो भी आप देख सकते हैं और ये जो मेल है वो मुझे 30 मार्च को रिसीव हुआ था, यानी मैंने जो CSCIT के लिए अप्लाई किया था वो 30 मार्च को मैंने अप्लाई किया था। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको एक दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अब दोस्तों यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये जो मेल है ये मुझे 2 मई को रिसीव हुआ था और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं वेलकम टू CSC फैमिली, डियर VLE कांग्रेचुलेशन, वेलकम टू द CSC फैमिली। यानी 2 मई को मेरी जो CSCIT है वो अप्रूव हो गई थी, 2 मई को मुझे यहाँ पे मेल आ चुका था कि आपकी जो CSCIT है वो अप्रूव कर दी गई है और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेरी CSCIT है वो केवल 1 महीने के अंदर अप्रूव हो गई थी, 30 मार्च को मैंने अप्लाई किया था और 2 मई को मेरी जो CSCIT है वो मुझे मिल गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे केवल 1 महीने का इंतजार करना पड़ा और 1 महीने का इंतजार भी मैंने अपनी गलती से किया था क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो रेडी नहीं थे, मेरा जो आधार कार्ड था उसमें भी प्रॉब्लम थी तो पहले मैंने उसमें करेक्शन किया, उसके बाद मेरे पास में TC सर्टिफिकेट नहीं था तो मैंने TC सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दिया, उसके बाद मुझे TC सर्टिफिकेट मिल गया था और यहां पर 2 मई को मुझे मेरी जो CSCIT थी वो दोस्तों मिल गई थी। अब दोस्तों मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जो CSCIT है वो 1 महीने के अंदर ही अप्रूव हो गई और आपने ऐसी क्या गलती की है कि आपको अभी तक भी CSCIT नहीं मिली है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आपकी जो CSCIT है वो लटकी हुई है, अभी तक आपको आपकी CSCIT नहीं मिली है। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से केवल 1 महीने के अंदर मेरी CSCIT अप्रूव हो गई थी और अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आपकी भी जो CSCIT है वो केवल 20 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगी। तो ये तो आप सभी को पता है कि जब आप CSC के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पर विजिट करता है आपके सेंटर को वेरीफाई करने के लिए और आपके साथ में ऐसा हुआ भी होगा और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पर विजिट करता है तभी आप एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी CSCIT अप्रूव नहीं होती है, आपको CSCIT नहीं मिलती है। तो वो कौन सी गलती है और कैसे उसको ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मेरे सेंटर पर विजिट किए थे तो मैंने उनको क्लियर बोल दिया था कि सर मुझे 15 महीने तक इंतजार नहीं करना है, मुझे 1 साल तक NIC ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, मुझे बार बार आपको कॉल नहीं करना है, तो प्लीज़ आप मेरी जो ID है उसको जल्दी से अप्रूव करा दीजिए, उसके बदले में जो भी आपकी फीस है, जो भी आपका चार्ज है, जो भी आपका पैसा है वो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे आपको कितना पैसा देना है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि CSCIT लेने के लिए यहाँ पे पैसे देने की जरूरत पड़ती है, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपको CSCIT नहीं मिलेगी। तो सर जो भी आपका पैसा है, जो भी आपका चार्ज है वो आप मुझे बता दीजिए और मेरी जो CSCIT है उसे जल्दी से जल्दी अप्रूव करा दीजिए। तो जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ये सारी चीजें बोली तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कि नहीं यार हिमांशु ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, आपको फ्री में CSCIT मिल जाएगी, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक मुझे CSCIT नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको फिर से बोला कि सर जो भी आपका चार्ज है वो आप बता दीजिए, बिना डर बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने ये शब्द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोले तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने मुझे खुल के कहा कि भाई देखो वैसे तो हम 12-12 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं एक एक वेली से CSCIT देने के लिए, 15-15 हज़ार रुपये तक चार्ज कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे 5 हज़ार रुपये दे दीजिए और आपकी जो CSCIT है वो मात्र 7 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगी। तो मैंने उनसे बोला कि सर 5 हज़ार रुपये तो ज़्यादा है, 5 हज़ार रुपये मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको केवल 4 हज़ार रुपये दे सकता हूँ और वो 4 हज़ार रुपये में रेडी हो गए। और जैसे मैंने उनको 4 हज़ार रुपये दिए तो 15 दिन के अंदर जो मेरी ID है वो दोस्तों अप्रूव हो गई थी। और यही वो गलती है जो आप कर रहे हैं, आपने अच्छे से CSCIT के लिए अप्लाई कर दिया है, सभी डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपके सेंटर को वेरीफाई कर लिया है, लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रिश्वत नहीं दी है। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रिश्वत नहीं दोगे तब तक आपको CSCIT नहीं मिलेगी। दोस्तों आजकल का तो फंडा यही है, जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे तब तक CSCIT आपको नहीं मिलेगी और कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यहीं पर अटकी हुई है कि आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पैसा नहीं दिया है। आप एक बात सीधी से समझ लो, जब तक आप पैसा नहीं दोगे आपको ID नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप CSC मैनेजर को जैसे ही पैसा दे दोगे आपकी CSCIT केवल 15 दिनों के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगी। और जब तक आप पैसा नहीं दोगे तो आप ऐसे घूमते रहोगे 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक, लेकिन CSCIT आपको नहीं मिलेगी, आप कहीं पर भी फ़ोन मिला लेना। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को 3 से 4 हज़ार रुपये नहीं दोगे तब तक आपको CSCIT नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो धरातल की सच्चाई है वो यही है, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपको CSCIT
सी आई डी नहीं मिलेगी। तो आप देख लेना, अगर आपको सी एस सी आई डी चाहिए तो आपको पैसा देना ही होगा। तो कुल मिला के दोस्तों यही वो कारण था, यही वो वजह थी, एकमात्र यही कारण है आपको सी एस सी आई डी ना मिलने का कि आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कुछ भी पैसा नहीं दिया है। जैसे आप पैसा दोगे तो केवल एक हफ्ते के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर आपकी सी एस सी आई डी अप्रूव हो जाएगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, मेरा गला भी बैठ गया आपको समझाते समझाते। बाकी अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। और भाई मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको आईडी लेनी है तो यार 2-4 हज़ार रुपये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दे दो, आपको आईडी मिल जाएगी। और अगर आपको पैसा नहीं देना है तो समझ लो आपको आईडी भी नहीं मिलेगी।